हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने बहुत ही आसान और झटपट सी स्नैक्स बनाई है जिसका नाम है ब्रेड चीज़ गार्लिक। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। तो चलिए हम आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी आप ज़रूर दबाएँ। तो चलिए हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है, तो बटर मैंने क्यूब्स वाले लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 क्यूब्स वाले बटर 3 पीस ले लिया है। तो उसे मैंने हल्का सा मेल्ट कर दिया है और साथ में यहाँ पे मैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ को अच्छी तरीके से बारीक चॉप करके डाल दूँगी और साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें गोल मिर्च डाल रही हूँ, बस एक पिंच मैंने इसमें काली मिर्च डाल दिया है और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ले लिया है और साथ में मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑरिगैनो ले लिया है। तो इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बटर में भी नमक है और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज़। तो हम उसमें भी बटर और उसमें भी नमक होता है तो हम इसलिए यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा देंगे। तो इसे हम चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे, मतलब हमें इसे दोनों ब्रेड में अच्छी तरीके से फैला करके लगा देना है। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे बिल्कुल दबा दें, उससे आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, तो आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मोज़रेला चीज़ को हम अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे चाहें तो स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मोज़रेला का इस्तेमाल किया है, इसे हम चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बना था, आप हम ज़रूर इसे ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के आते रहें। और देखिए, ऊपर से अब हम इसे स्पेल भी लगा देंगे ब्रेड पर, तो इसे भी हम अच्छे तरीके से चारों तरफ से फैलाते हुए लगा लेंगे। दोनों ब्रेड में हम लगा लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही मज़े का बना था, बच्चे को भी बहुत पसंद आते हैं, बड़े को भी बहुत पसंद आते हैं। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े का बना था। तो ये देखिए, हमने दोनों में लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन चूल्हे पर चढ़ा देंगे। पैन रख लें, या तो आप तावा रख लें, या तो आप फ्राई पैन रख लें, कुछ भी रख लें। और बटर को अब हम चारों तरफ अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए, बटर को अब हम चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला ले रहे हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे भी मैंने क्यूब्स वाले बटर ही लिया है, जिसमें से आधे बटर को मैंने इसमें डाल करके अच्छी तरीके से फैला लिया है। मैं सोच रही थी दोनों एक बार हो जाएगा, लेकिन इसमें जगह कम था इसलिए मैंने एक बार एक को रखा है। और इसे अब हम थोड़ा सा चारों तरफ से मिला करके अच्छे तरीके से रख देंगे और उसके बाद हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख देंगे, ताकि हमारा जो चीज़ है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या नहीं समझ में आया है, हम ज़रूर उस डॉट को क्लियर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हम आपसे फिर कहते हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमें आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के आनी चाहिए। तो ये देखिए, कितना खूबसूरत सा कलर आया है। ऊपर से अब हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसमें ऐड कर दें या तो आप चाहें तो ना करें। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो ना करें, वैसे इसे ऊपर से स्प्रेड करने से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो मैंने उसे निकाल लिया है। अब हम दूसरे वाले ब्रेड को भी अच्छी तरीके से इसी तरह से थोड़ा सा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 बटर ले लिया है और उसे भी अच्छी तरीके से फैला लिया है और दोबारा मैंने इसके ऊपर ब्रेड रख दिया है। तो इसे देखिए, हम अच्छे तरीके से चारों तरफ से हिला लेंगे ताकि बटर हमारा अच्छे तरीके से उसमें ऑब्जर्व हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा था, चीज़ का मज़ा बहुत ही आया था खाने में, गार्लिक इसमें डाला है तो ये बहुत ही मज़े का बना था। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, हमारे यहाँ तो सारे बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएं, आपके बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े को भी ये बहुत पसंद आया था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
तो ये देखिए दूसरे वाले को भी मैंने इस तरह से बना लिया है और इसे भी हम थोड़ा सा कवर कर देंगे। जिस तरह से हमने पहले वाले को बनाया था उसी तरह से हम दूसरे वाले को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी अच्छी तरीके से तैयार हो गया। तो अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब मैं चलती हूँ प्लेटिंग के तरफ। तो मैं प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से सर्व किया था। ये देखिए इसे मैंने लंबे लंबे कट कर लिया था और ये बहुत ही डेंडिंग बना था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के आते रहें। जब तक के लिए अब हमें आप दीजिए इजाज़त, हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।